हेलो वेलकम टू ई चैनल मैथ्स ऑन टिप्स ए वर्मा आपकी मैथ्स में येस जैसे कि आप टॉपिक देख रहे हैं कम्प्लीट योर मैथ्स इन फोर मंथ्स ऑब्वियसली फोर मंथ्स सफिशियंट हैं आपकी मैथ्स को कम्प्लीट करने के लिए क्योंकि आपके मैथ्स में केवल हैं थर्टीन चैप्टर्स हर चैप्टर के लिए कितने दिन सफिशियंट हैं सफिशियंट नहीं मोर देन सफिशियंट हर एक्सरसाइज वाइज आपको लेसन मिल जाएगा अगर आप पूरा टाइम आराम से करते हैं तो आपके चार महीने में पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है बहुत अच्छे से अगर आप अभी से भी स्टार्ट करते हैं तो अभी स्टार्ट होता है जून जून जुलाई अगस्त सितंबर, सितंबर तक आपका कंप्लीट कोर्स कवर हो जाता है उसके बाद आपके पास बहुत टाइम होता है रिवाइज करने के लिए प्लस सैंपल पेपर करने के लिए प्लस अदर बुक्स को सॉल्व करने के लिए तो यहाँ पर आपको मिलते हैं सारे लेसन एक्सरसाइज वाइज ऑल एन सी ठीक है तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करें टिल एंड आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज या जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनकी सीरीज़ सब आपको चैनल पर अवेलेबल करवा दी जाती है टाइम टू टाइम ठीक है तो आज हम स्टार्ट करते हैं कि हम अपनी मैथ्स को कैसे कंप्लीट करें हर चैप्टर के लिए जितने डेज डिसाइड किए हैं उतने डेज में वो चैप्टर बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाता है सब एक्सरसाइज जितने एक्सरसाइज हैं जितने डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन हैं वो सब आपको चैनल पर प्रोवाइड किए जाएंगे जैसे ही ये सिलेबस कम्प्लीट हो जाता है उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं कौन से टॉपिक कम इंपॉर्टेंट हैं वो सब के सब चैनल पर आपको वीडियोज मिल जाती हैं टाइम टू टाइम ठीक है time time, अब कैसे हमने चैप्टर को कितने दिन में कवर करना है उसको देखिएगा फर्स्ट चैप्टर केवल तीन एक्सरसाइज है आपके पास जो मिसलिनियस है वो भी फोर्थ एक्सरसाइज पर ही बेस्ड है बहुत ज़्यादा क्वेश्चन उसमें तो हमें केवल फर्स्ट थ्री एक्सरसाइज करनी है बहुत इजी सी एक्सरसाइज है आराम से आप एक दिन में कवर कर सकते हैं लेकिन हमने उसको टू डेज दिए हैं एक एक्सरसाइज के लिए यानी टोटल चैप्टर हमने सिक्स डेज में कवर करना है बहुत इजीली अगर आप डेली वन आर भी देते हैं तो आपका हंड्रेड परसेंट सिलेबस गारंटेड कंप्लीट होता है इसके अकॉर्डिंग ठीक है चैप्टर टू हार्डली टू एक्सरसाइज हैं एक मिसलिनियस एक्सरसाइज है अगर आप एक दिन में एक एक्सरसाइज भी कवर करते हैं तो भी आप आराम से तीन दिन में कर सकते हैं लेकिन उसके लिए भी हमने कितने डेज डेज दिए हैं यहाँ पर सिक्स डेज बहुत आराम से संडे अगर आप एक्सक्लूड भी कर दें तो भी आप आराम से उसको कवर कर सकते हैं थर्ड चैप्टर बहुत इजी सा चैप्टर है मैटरसेस केवल फोर एक्सरसाइज हैं हमने उसको भी दिए हैं सिक्स डेज फोर्थ डिटर्मिनेंट अगेन सिक्स डेज इजी चैप्टर है चैप्टर फाइव क्योंकि इसमें पर सेवन एक्सरसाइज है एक मिसलिनियस भी है और इसमें थोड़े एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करने पड़ते हैं कंटिन्यूटी बेस्ड तो इसको हमने दिए हैं टेन डेज ठीक है चैप्टर सिक्स एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव इसको हमने क्या करना है 12 डेज क्यों क्योंकि इसकी जो लास्ट एक्सरसाइज है बेटा उसके क्वेश्चंस आपको एक एक क्वेश्चन ढंग से करना पड़ेगा सॉल्व भी और अनसॉल्व भी लास्ट एक्सरसाइज थोड़ी सी टिपिकल है और लास्ट एक्सरसाइज में इंपॉर्टेंट भी है सिक्स मार्कर क्वेश्चन भी कंपलसरी आता है सेवंथ चैप्टर दैट इज इंटीग्रेशन बहुत सारी एक्सरसाइज है आई थिंक ट्वेल्व एक्सरसाइज उसमें है हमने दिए हैं ट्वेंटी डेज ठीक है एट्थ चैप्टर केवल एक एक्सरसाइज है ए, दो एक्सरसाइज है और एक मिसलिनियस तीन एक्सरसाइज सिक्स डेज आराम से कंप्लीट होता है तो ये आपके चैप्टर एट तक कितने डेज बैठते हैं सेवेंटी चैप्टर नाइन है हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन ठीक है डिफरेंशियल इक्वेशन में फर्स्ट और सेकेंड एक्सरसाइज तो ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज है उसके बाद बचती है आपकी चार एक्सरसाइज जिसमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है और बाकी तीन एक्सरसाइज में उनको सॉल्व करना है हार्डली चार एक्सरसाइज के लिए कितने दिन लगते हैं पाँच छः लेकिन हमने कितने दिन दिए हैं टेन डेज ठीक है टेंथ चैप्टर वैक्टर्स बहुत छोटा सा चैप्टर है अगर आप चाहें तो आप उसको दो घंटे में भी कंप्लीट कर सकते हैं लेकिन नहीं हम उसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो इसलिए हमने उसको भी दिए हैं सिक्स डेज इलेवंथ चैप्टर यस थ्री डायमेंशनल एक एक्सरसाइज है लाइन की पहला तो डी और डीसीज वो तो वैक्टर्स में ही कवर हो जाता है उसके बाद एक स्ट्रेट लाइन और एक प्लेन अगर आप आधा आधा घंटा भी करें डेली तो भी आप 12 डेज में उसको बहुत अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं एक एक टॉपिक भी अगर आप कवर करते हैं ठीक है अब हमारा रह जाता है चैप्टर 12 प्रोबेबिलिटी कितनी एक्सरसाइज हैं फाइव कितने दिन हैं 12 डेज एक एक्सरसाइज टू डेज आराम से कंप्लीट हो सकती है थर्टीन चैप्टर केवल दो टाइप के क्वेश्चन हैं एक बाउंडेड एक अनबाउंडेड अगर आपको सॉल्व करना आ जाए तो उस चैप्टर में बेटा कुछ है ही नहीं आप उसको एक दिन में भी बहुत अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं लेकिन हमने उसके लिए भी दिए हैं सिक्स डेज ठीक है कितने हो जाते हैं हमारे पास ये फोर्टी सिक्स डेज सेवेंटी टू प्रीवियस हमने लिए हैं एट्थ चैप्टर तक टोटल होते हैं 118, जबकि चार महीने में अगर हम काउंट करें तो बैठते हैं हमारे 142 डेज तो अगर चार दिन मिस भी कर दें तो भी हमारा सिलेबस आराम से कंप्लीट होता है फोर मंथ्स में लेकिन उसके लिए करना क्या है उसके लिए करना ये है कि जो आपने टाइम डिसाइड किया है अगर वो वन आर है तो वो वन आर आपने डेली देना है ऐसा नहीं कि अभी तो बहुत टाइम है अभी तो हमारे पास टाइम ही टाइम है अभी अगर हम आज नहीं करेंगे तो कल कर लेंगे बस ये दिमाग में नहीं लाना है आपने जो एक घंटा अगर देना है तो वो डेली मैथ्स को देना है बस मैथ्स थोड़ा सा आपका प्रैक्टिस मांगता है बेसिक्स आपके क्लियर हों तो बेटे सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट मैथमेटिक्स ही है इसमें आप आराम से 100 परसेंट मार्क्स ला सकते हैं 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव है 80 मार्क्स 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव है पेपर में और 60 मार्क्स के सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उनमें अगर आपका आंसर भी करेक्ट हो जाता है कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट आंसर बेस्ड होते हैं जिसमें मतलब आपको पता है कि इसका आंसर यही आना है अगर आप उसका डायरेक्ट आंसर भी देते हैं तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है फुल मार्क्स आपको अलॉट होते हैं ट्वेंटी मार्क्स आपके स्कूल बेस्ड हैं, इंटरनल हैं, तो उसमें आपने क्या करना है अपना वर्क कंप्लीट रखना है जब आप अभी से शेड्यूल लेके चलेंगे तो ऑब्वियसली आपका काम कंप्लीट रहेगा जब आपका सब काम कंप्लीट होगा तो आपको वो ट्वेंटी मार्क्स भी टीचर प्रोवाइड करेंगे ही करेंगे ठीक है तो इस टाइप से अगर आप प्रिपेयर करते हैं अपने कंप्लीट चैप्टर्स कंप्लीट मैथमेटिक्स तो आपके मार्क्स आएंगे हंड्रेड परसेंट ठीक है तो आपने केवल क्या करना है डेली की डेली जो भी एक्सरसाइज कोशिश करते हैं कि डेली आपको एक्सरसाइज दी जाए लेकिन अगर सपोज किसी दिन मिस हो जाती है तो आप उस दिन रिवाइज कर सकते हैं नेक्स्ट डे आप उसको काउंट कर सकते हैं आज इस वीडियो में इतना ही लेकिन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए जल्दी जल्दी ताकि मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले तब तक के लिए बाय बाय थैंक यू